हेलो दोस्तों, तो आज की हमारी मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे एनिमल से बात करने की पावर मिल जाती है और वो इसका यूज दुनिया के सबसे तेज घोड़े को ढूंढने में करता है। तो मूवी शुरू होती है सियो कबीले के इलाके से, जहां हम यकारी और उसके डॉग ड्रूपी को देखते हैं। तभी वो कुछ बाइसंस को वहां से भागते हुए देखते हैं जो इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। यकारी के डैड और उसके दोस्त भी इसे नोट करते हैं और समझ जाते हैं कि उनका भी घर छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि बाइसन थंडर और लाइटनिंग वाले सीजन को सेंस कर लेते हैं। यही यकारी को खेलते हुए एक सुनहरी घोड़ा दिखाई देता है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो दुनिया का सबसे फास्ट घोड़ा है और इन लोगों ने इसका नाम लिटिल थंडर रखा है। यकारी भी उसे देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और तभी उससे मिलने उसके दोस्त वहाँ आते हैं, जिनमें एक लड़की रेनबो और एक लड़का सिड है। वो उसे अपने साथ खेलने को बोलते हैं, लेकिन यकारी उन्हें मना करके अपने डैड के पास आ जाता है। वहाँ वो उन्हें सुनहरी घोड़े के बारे में बताता है कि मैं एक दिन उस पर राइड करना चाहता हूँ, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि उसे राइड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया। आगे हम उन सबको वापस कबीले में आते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि आज रात तुम्हें स्पिरिट ट्री पर आना होगा क्योंकि कबीले वाले एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। फिर वो एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर रिलैक्स करने लगता है, जहाँ से उनके कबीले की ईगल हिल दिखाई देती है जो उनके पवित्र पक्षी ईगल की निशानी है। यहाँ वो खुद को लिटिल थंडर के साथ इमेजिन करता है और देखता है कि उड़ते हुए अचानक वो एक ग्रेट ईगल में बदल गया है, लेकिन जल्दी ही उसका ये सपना खत्म हो जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। वो अपनी मॉम और एक एल्डर से अपना सपना शेयर करता है। तब वो एल्डर उसे बताता है कि वो जरूर हमारे कबीले की पवित्र ईगल होगी और इसका मतलब है कि जल्दी ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तभी उससे मिलने उसके दोस्त वहाँ आते हैं और वो भी उसकी बातें सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। जल्दी ही वहाँ रात हो जाती है और हम देखते हैं कि कबीले वाले स्पिरिट ट्री के नीचे इकट्ठा हो गए हैं। वहाँ वो एल्डर उन्हें बताता है कि बाइजन्स के पास गजब की सेंसिंग पावर है और अगर वो ये जगह छोड़ रहे हैं तो हमें भी उनके पीछे जाना होगा। एक दूसरा आदमी उन्हें वॉर्न करता है कि जल्दी यहाँ बड़े बड़े टोर्नेडोज आने वाले हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देंगे और अब हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। तब यकारी के डैड उन्हें बताते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम घोड़े हैं जिनके बिना हम ये जर्नी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उसे अपने हंटर्स के साथ कुछ और घोड़े पकड़ने होंगे। कबीले वाले भी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और इधर सिट यकारी से कहता है कि हमें भी उन हंटर्स को फॉलो करना चाहिए। यकारी ऐसा करने से मना करता है और रेनबो भी उसे समझाती है कि ये सिर्फ ब्रेव लोगों का काम है जो सिर पर ब्रेवरी के फेदर्स पहनते हैं। तब सिड उन्हें बताता है कि बाकी घोड़ों के साथ लिटिल थंडर भी वहाँ होगा और ये सुनकर यकारी का मन बदल जाता है। अगली सुबह वह एक बोट से उन हंटर्स का पीछा करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने काफी सारे घोड़ों को घेर लिया है। यही यकारी को वो लिटिल थंडर दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि कबीले वाले उसे पकड़ पाए वो कूद कर वहाँ से भाग निकलता है और ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। यकारी उसके पीछे जाने का प्लान करता है और कहता है कि जल्दी ही हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और ये मेरा उससे मिलने का लास्ट मौका है। रेनबो को लगता है कि वो जरूर खुद को किसी मुसीबत में डाल लेगा और इसीलिए ड्रूपी को उसके पीछे भेजती है। इधर यकारी उसे ढूंढता हुआ एक घाटी तक आता है और देखता है कि लिटिल थंडर एक जगह फंसा हुआ है। वो अपनी जान पर खेल कर उसकी मदद करता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, लेकिन वो घोड़ा उससे डर कर भाग जाता है। ड्रूपी भी उसके पीछे वहाँ तक पहुँच जाता है और यकारी उसे बताता है कि अभी अभी मैंने लिटिल थंडर की मदद की है। तभी वो एक बड़ी सी ईगल को आते हुए देखता है और वो उसे उड़ाकर आसमान में ले आती है। यकारी कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरे सपने जैसी हो और तब वो ईगल उसे बताती है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर ईगल हूँ और जहाँ तुम जाते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होती हूँ। फिर वो उस घोड़े को बचाने के लिए उसे एक फैदर देती है और बताती है कि ये मेरे विंग्स का सबसे सुंदर फैदर है, ये बिल्कुल वैसा था जैसा कि उनके हंटर सिर पर लगाते हैं। और यकारी पूछता है कि क्या मैं भी अब ब्रेव बन गया हूँ। ईगल कहती है कि अच्छा काम करने वाले हमेशा ब्रेव होते हैं और फैदर के साथ साथ उसे एक और गिफ्ट भी देती है जो आज तक किसी इंसान को नहीं मिला। ये कहकर वो उसे वापस जमीन पर भेज देती है और यकारी खुश होकर इस बारे में ड्रूपी को बताता है। तभी वो देखता है कि ड्रूपी उसी की भाषा में बात कर रहा है और वो समझ जाता है कि ईगल ने उसे एनिमल से बात करने की पावर दी है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि इस तरह वो लिटिल थंडर से दोस्ती कर सकता है। वो लोग एक बार फिर उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहां एक आउल यकारी को आगे जाने का रास्ता बताता है
फिर उसकी मुलाकात कुछ बटरफ्लाई से होती है और इसी तरह जल्दी ही वो लिटिल थंडर तक पहुंच जाते हैं। यकारी उससे बात करने जाता है और वो घोड़ा भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये इंसान मुझसे बात कैसे कर सकता है। तब यकारी उसे ग्रेट ईगल के बारे में बताता है और उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है। वो घोड़ा भी अपनी मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और यकारी प्यार से उसे छूने लगता है। फिर वो लपक कर उसके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन ये बात घोड़े को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उसे नीचे गिरा देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि एक फ्री एनिमल हूँ और तुम भी बाकी इंसानों के जैसे एकदम सेल्फिश हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यकारी उसके पीछे उस नदी को क्रॉस करने लगता है। तभी पैर फिसलने से वो नदी में गिर पड़ता है और उसका फेदर भी बहकर दूर चला जाता है। वो देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा वॉटरफॉल है और किसी तरह एक पेड़ से लटक कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी उसके कोई काम नहीं आता। लिटिल थंडर भी उसकी चीख सुनकर उसे चेक करने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यकारी वॉटरफॉल से नीचे गिर जाता है। लिटिल थंडर ड्रूपी से तुरंत इंसानों को बुलाने को कहता है और खुद भी यकारी को ढूंढने नीचे की ओर चला जाता है। आगे का सीन कबीले का है, जहाँ सीट और रेनबो उसके पेरेंट्स को सारी बात बताते हैं और उसके डैड कहते हैं कि हमें तुरंत इस बारे में कबीले वालों को बताना चाहिए। रेनबो छुप कर उनकी सारी बातें सुनती है और बताती है कि कबीले वाले ज्यादातर यहाँ रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उन्हें यह काम अकेले ही करना होगा। वो दोनों भी उनके साथ चलने की जिद करते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और अकेले ही उसे ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें ड्रूपी नजर आता है और वो उसका पीछा करते हुए यकारी तक जाने लगते हैं। इधर यकारी बहता हुआ एक डैम तक आता है जिसे कुछ छोटे छोटे बीवर्स ने बनाया था और वो उसे बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। यकारी उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे वो एक सुनहरे घोड़े को ढूंढ रहा था और इसी चक्कर में कबीले से बहुत दूर आ गया है। फिर वो उनसे अलविदा लेकर आगे बढ़ता है और वो ईगल एक बार फिर उससे मिलने आती है। वो उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने आपका फेदर गुमा दिया है और मैं शायद बिल्कुल ब्रेव नहीं हूँ। तब ईगल उसे समझाती है कि ये वक्त हार मानने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है। वो बताती है कि जल्द ही तुम्हारा सामना जायंट्स और मदर नेचर के गुस्से होने वाला है और इसे पार करके ही तुम सच में ब्रेव बन सकते हो। फिर वो उसे खुद पर यकीन रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है और यकारी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन बातों का क्या मतलब है। तभी वो सामने से किसी को आते हुए देखता है और उसे लगता है कि ये शायद उसके कबीले के लोग हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो असल में घोड़ों का झुंड है जो सीधा उसी की ओर आ रहे हैं। उनसे बचकर भागते हुए वो गिर पड़ता है, लेकिन तभी उसकी मदद करने लिटिल थंडर वहाँ आता है और उसे तुरंत अपने ऊपर बैठने को कहता है। यकारी इस राइड से बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन वो घोड़ा उसे बताता है कि हमारे पीछे कुछ हंटर्स लगे हुए हैं। वो दोनों बचते हुए एक सेफ जगह आ जाते हैं और यकारी टाइम पर आने के लिए उसका थैंक्स बोलता है। लिटिल थंडर उसे समझाता है कि तुम्हें अपने कबीले के पास वापस चले जाना चाहिए और यकारी इसमें उसे अपनी मदद करने को कहता है, लेकिन लिटिल थंडर ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तभी उन्हें कुछ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि हंटर्स ने उन्हें पकड़ लिया है। यकारी उससे इनकी मदद करने को कहता है, लेकिन लिटिल थंडर उससे पूछता है कि सुबह तुम्हारे हंटर्स भी घोड़ों को पकड़ रहे थे, तो भला तुम में और इन लोगों में क्या फर्क है। तब यकारी उसे बताता है कि ये लोग कुगर कबीले से हैं और हम इनकी तरह घोड़ों को कभी हर्ट नहीं करते। फिर वो उसे उन कुगर्स का ध्यान भटकाने को बोलता है ताकि पीछे से वो उन घोड़ों को आजाद करा सके। कुगर्स भी एक सुनहरे घोड़े को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और अपने एक आदमी को वहीं छोड़कर उसे पकड़ने चले जाते हैं। यकारी भी इसका फायदा उठाकर घोड़ों तक पहुंच जाता है और एक एक करके उन सभी को आजाद करा देता है। लिटिल थंडर भी कुगर से बच निकलता है और वापस आकर वो देखते हैं कि उनके पहले वाले घोड़े भी भाग गए हैं। लीडर उनका पीछा करने की सोचता है और तभी वो यकारी और सुनहरे घोड़े को भागते हुए देखते हैं। वो अपने आदमी पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर उस घोड़े को वापस लाना होगा। आगे हम यकारी के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें ड्रूपी उस वॉटरफॉल तक ले आया है और वो उसका अंजाम सोचकर दुखी हो जाते हैं। तभी उन्हें नदी में पड़ा हुआ वो फेदर मिलता है और उसकी मॉम समझ जाती है कि ग्रेट ईगल उसकी रक्षा कर रही है। उसके डैड जानते हैं कि टोर्नाडोस किसी भी वक्त आ सकते हैं और नीचे उनके दुश्मन कुगर्स का इलाका है और ये सोचकर वो तुरंत उसकी मदद करने निकल जाते हैं।
इधर यकारी कुगर्स को हराकर बहुत खुश होता है, लेकिन लिटिल थंडर उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है और उसे उन कुगर्स ने रोक लिया है। तब यकारी उसे माउंटेन का रास्ता दिखाता है जिसके ठीक पीछे उनका कबीला बसा हुआ है, लेकिन लिटिल थंडर उसे समझाता है कि सामने वाला माउंटेन बहुत बड़ा है और हम इतने ब्रेव नहीं है कि उसके पार जा सके। ये सुनकर यकारी को ईगल की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि वो जाइंट असल में ये माउंटेन ही है जिसे पार करके वो ब्रेव बन सकता है। उसकी जिद देखकर वो घोड़ा भी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और वो उस मुश्किल रास्ते को पार करने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो कुगर आदमी उन दोनों का पीछा कर रहा है। एक जगह वो लिटिल थंडर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दो बियर्स वहाँ आकर उसका काम बिगाड़ देते हैं। यही उनका सामना एक बर्ड से होता है और यकारी उससे बात करके उसे अपनी मदद करने के लिए तैयार कर लेता है। वो उसे नदी के पास अपने डॉग को ढूंढने को कहता है ताकि उन्हें बता सके कि वो एकदम सही सलामत है और इस वक्त अपने कबीले की ओर वापस आ रहा है। आगे बढ़ते हुए वो पहाड़ की चोटी तक आते हैं जहां उन्हें सामने एक गुफा नजर आती है और ठंड और थकान के कारण वो वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। पता चलता है कि ये गुफा एक रैकून की है जो गर्म इलाके से यहाँ स्नो देखने आया है और वो उन्हें यहाँ रखने के लिए तैयार हो जाता है। उधर सिड और रेनबो को यकारी की बहुत चिंता होती है और तब एल्डर उन्हें बताता है कि कल तक टोर्नाडो यहाँ पहुँच जाएंगे और उम्मीद करो कि उसके पेरेंट्स उसे जल्दी से ढूंढ लें। सुबह यकारी को अपने पास कुछ फ्रूट्स रखे हुए मिलते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब रकून उनके लिए लाया है। तभी उसे लिटिल थंडर की आवाज आती है जो उसे दिखाता है कि रात को यहाँ काफी स्नोफॉल हुआ है और यकारी को लगता है कि ये देखकर रकून खुश हो जाएगा। फिर वो उन बर्फीले रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और यकारी को सामने वो ईगल हिल दिखाई देती है। वो लिटिल थंडर का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना ये कभी नहीं कर पाता। लिटिल थंडर भी उसे ब्रेव बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि तुम जब चाहो मेरी सवारी कर सकते हो। ऐसे ही मस्ती करते हुए वो नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें फिर से वो कुगर आदमी मिलता है। उससे बचने के चक्कर में यकारी और वो आदमी एक दरार में जा गिरते हैं और रकून तुरंत उसकी मदद करने जाता है। वहाँ वो यकारी को होश में लाता है, लेकिन वो देखते हैं कि कुगर अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग किसी तरह उसे चकमा देने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है। रकून उसे तुरंत वहाँ से जाने को कहता है और बताता है कि मैं अब इन केव्स को ही अपना घर बनाने वाला हूँ। जल्दी ही यकारी वहाँ से निकलकर नदी तक पहुँच जाता है जहाँ वो कुगर एक बार फिर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी उसके डैड वहाँ आकर उसे रोक लेते हैं और कुगर को वहाँ से भागना पड़ता है। यकारी भी अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होता है और यहीं हम लिटिल थंडर को देखते हैं जो दूर से यकारी को अलविदा बोलता है। यकारी भी उसे देख लेता है, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि जल्द ही यहाँ टोर्नाडो आने वाला है और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि टोर्नाडो उनके करीब आने वाला है और वो उससे बचकर भागने लगते हैं। और यहाँ यकारी को समझ आता है कि ये टोर्नाडो ही मदर नेचर के गुस्से का रूप है। उसके डैड को अपने घोड़ों की चिंता होने लगती है क्योंकि वो पहले से ही थके हुए हैं। और तभी यकारी लिटिल थंडर को आते हुए देखता है। फिर वो यकारी को अपनी पीठ पर आने को बोलता है और उन्हें टोर्नाडो से बचाने के लिए घाटी में बनी एक दरार में ले जाता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहाँ कबीले ने अपने लिए एक नई जगह ढूंढ ली है और वो वहाँ बसने की तैयारी कर रहे हैं। तभी उन्हें ड्रूपी की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखते हैं कि यकारी और उसकी फैमिली वापस आ गई है। वो सब लिटिल थंडर को देखकर बहुत हैरान होते हैं और यकारी उन्हें बताता है कि ये सिर्फ घोड़ा ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है। फिर वो यकारी को उसका खोया हुआ फेदर वापस करते हैं और कहते हैं कि अब से तुम भी हमारे कबीले के ब्रेव लोगों में से एक हो। एंड में हम यकारी को लिटिल थंडर की सवारी करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।